मैं क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, किन लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे होता है और क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। जैसे कि एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड भी एक कार्ड होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो हमारा डेबिट कार्ड होता है ये बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। इसीलिए हम डेबिट कार्ड से सिर्फ उतने ही पैसे खर्च कर सकते हैं जितने हमारे अकाउंट में होते हैं, क्योंकि ये अकाउंट से लिंक होता है। जबकि क्रेडिट कार्ड जब हमें बैंक जारी करता है तो इसमें एक लिमिट हमें देता है जो कि 25,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक कुछ भी हो सकती है, और वो लिमिट हम एक महीने में खर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा HDFC का क्रेडिट कार्ड है, इसकी जो लिमिट है ये 66,000 रुपये की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, तो मैं एक महीने में 66,000 रुपये तक इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकता हूँ। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड किन लोगों को दिया जाता है। अगर आपके पास एक अच्छा इनकम सोर्स है, यानी अच्छी सैलरी वाली आपकी कोई एक जॉब है, या फिर आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है और साथ ही आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें, इसमें दो तरीके होते हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जा करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप sbicard.com पर जा करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप HDFC की नेट बैंकिंग में जा करके वहाँ आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सीधे बैंक में जा करके भी ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उससे भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो एक महीने में ये क्रेडिट कार्ड आपके परमानेंट एड्रेस पर भेज दिया जाता है और उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे होता है। जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड जारी करता है तो इसकी एक लिमिट बैंक आपको पहले से ही फिक्स करके देता है, जो कि 25,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकती है, जो कि टाइम के साथ साथ ही बढ़ती रहती है। जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड लिया था उस टाइम इसकी जो लिमिट थी वो 55,000 रुपये थी, जो कि बाद में बैंक ने बढ़ा करके 66,000 रुपये कर दी है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी लिमिट बैंक फिक्स कर देता है उतना ही आप इसको ऑनलाइन शॉपिंग में या किसी को पेमेंट करने में या एटीएम मशीन से कैश निकालने में आप यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इससे एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो पेनल्टी है वो आपकी कैश निकालने के साथ ही लगना शुरू हो जाती है, इसलिए क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश नहीं निकालना चाहिए। आपको इससे हमेशा ऑनलाइन पेमेंट ही करना चाहिए या शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए। जैसे आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हर उस जगह पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये होता है कि अगर हमें इमरजेंसी में अमाउंट की जरूरत पड़ जाए और हम अपने फ्रेंड से ना मांग सकें या फ्रेंड हमें ना दे, तो उस सिचुएशन में आप अपने क्रेडिट कार्ड से वो अमाउंट निकाल के यूज कर सकते हैं और बाद में एक महीने के बाद आप उसका बिल पे कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप इससे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या पेमेंट वगैरह करते हैं तो इसमें आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें आप रिडीम कर सकते हैं। और तीसरा फायदा ये होता है कि इससे जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी छूट भी मिलती है। जैसे कि अभी मैंने GoIBO से एक होटल रूम बुक किया था जिसका प्राइस था 3,000 रुपये, और वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था कि अगर आप HDFC के क्रेडिट कार्ड से बुक करते हैं तो आपको 1,000 रुपये की छूट दी जाएगी। तो जब मैंने अपने इस HDFC के क्रेडिट कार्ड से उस रूम को बुक किया तो वहाँ मुझे सिर्फ 2,000 रुपये पे करने पड़े और 1,000 रुपये की मुझे वहाँ पर छूट मिल गई। तो इससे क्रेडिट कार्ड से जब हम शॉपिंग करते हैं या कहीं पेमेंट करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी छूट भी मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या होते हैं। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड के काफ़ी सारे फायदे हैं तो उसी तरह से क्रेडिट कार्ड के काफ़ी सारे नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान तो इसका ये है कि अगर आप इसका बिल पे करने में चूक जाते हैं, यानी अगर आपकी ड्यू डेट है 2 तारीख और आप 2 तारीख में बिल पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लग जाती है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन से कैश निकालते हैं तो कैश निकालने के दिन से ही आपके ऊपर पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है, जब तक कि आप उस
जो आपने कैश निकाला है उसको आप पे नहीं कर देते। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है और कोई पर्सन इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लेता है तो उसमें आपको ओटीपी भी नहीं मिलता है। बस ये जो क्रेडिट कार्ड के यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं, ये नंबर डाल करके और इसके पीछे जो एक नंबर शो होता है सीवी नंबर, उसको डाल करके कोई भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। इसमें आपके पास कोई ओटीपी भी नहीं आता है। ओटीपी सिर्फ नेशनल ट्रांजैक्शन में आता है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें ओटीपी नहीं आता है। तो इसलिए अगर ये खोया जाता है तो कोई भी आपके इस कार्ड का मिसयूज कर सकता है, इसलिए आपको खोने के फौरन बाद ही इसको बंद करा देना चाहिए। एक बड़ा नुकसान क्रेडिट कार्ड का ये है कि इससे फजूल खर्ची काफी होती है, यानी कि अगर आप किसी चीज को नहीं भी खरीदना चाहते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके मन में आएगा कि इस चीज को खरीद लेते हैं, क्योंकि बिल की तो कोई टेंशन लेता ही नहीं है, सोच लेते हैं कि अभी एक महीने के बाद पे करना है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती। तो इससे काफी फजूल खर्ची भी होती है, जो चीजें हमें नहीं भी खरीदनी होती वो भी हम क्रेडिट कार्ड होने की वजह से खरीद लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे आता है और उसको पे कैसे करते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड से कहीं पर कोई शॉपिंग करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद बिल जेनरेट होता है, और बिल जेनरेट होने के बाद भी हमें लगभग 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है उस बिल को पे करने के लिए, जो कि कभी कभी एक महीने का भी होता है। यानी जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा खर्च करते हैं तो उसके बाद लगभग 50 दिन के बाद हमें उसका पेमेंट करना होता है। जब हम खर्च करते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद बिल जेनरेट होता है, और बिल जेनरेट होने के कुछ दिन के बाद हमें उसको पे करना होता है। बिल जो है वो हमारी नेट बैंकिंग में भी शो होता है और वो फिजिकली भी हमारे जो परमानेंट एड्रेस होता है बैंक में, उस एड्रेस पर भेज दिया जाता है। उसमें सारी डिटेल होती है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है, कहाँ कहाँ पर खर्च किया है। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी होती है तो वो पेनल्टी की डिटेल भी उसमें होती है, और उसमें एक ड्यू डेट भी होती है कि इस डेट तक आपको बिल का पेमेंट करना ही करना है। पेमेंट करने में आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप मिनिमम अमाउंट जो होता है वो पे कर सकते हैं या आप फुल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको हमेशा फुल पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो बाकी का जो अमाउंट रह जाता है उसके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लगती है। तो जब भी आप बिल का भुगतान करें तो आपको पूरा बिल पे करना चाहिए। अब बात आती है कि बिल का भुगतान कैसे करते हैं। या तो आप डायरेक्टली जाकर के इंटरनेट बैंकिंग से इसका पेमेंट कर सकते हैं, या बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे फोन पे एप्लीकेशन है, वहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के बिल पे कर सकते हैं। ये अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बैंक में जाकर के ऑफलाइन भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो जहां क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे नुकसान हैं तो इसके वहीं पर बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर आप इसको स्मार्टली तरीके से यूज करते हैं, आप टाइम पर इसका बिल पे करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आपको रिडीम पॉइंट्स मिलते हैं, साथ ही आप जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं वहां पर आपको काफी छूट मिलती है, और इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्रेडिट कार्ड आपके काफी काम आता है। तो इसलिए अगर आपकी एक अच्छी जॉब है या आपका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और ये किन लोगों को दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे होता है और क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।